पहली चीज स्टार्टअप, यस आ जाओ यहां पर। स्टेप वन, स्टेप टू, एक्सट्रैक्शन ऑफ मैटर। किसकी बात करेंगे बेटा? मैटर। इसमें हमने बात की थी बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिव मेटल। किसकी बात करेंगे सबसे पहले? लो रिएक्टिविटी मेटल्स की। लो रिएक्टिव मेटल बेटा किस स्टेट में, किस 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 ओर में प्रेजेंट होते हैं? जनरली दे आर प्रेजेंट इन सल्फाइड ओर। किस ओर में प्रेजेंट होते हैं बेटा? सल्फाइड ओर में प्रेजेंट होते हैं बेटा। इनकम क्या करते हैं सबसे पहली चीज? हीटिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रोस्टिंग। रोस्टिंग। हीटिंग करने पर क्या मिलता है बेटा हमको? ऑक्साइड ऑफ मेटल। ऑक्साइड ऑफ मेटल के बाद उसका क्या कर देते थे हम? रिडक्शन। और क्या मिल जाता था हमको? हीटर। मेटल। ठीक है, आई बात समझ में? तो यस सर। ये जो हमारे पास मेटल है ये जनरली कैसे होते हैं बेटा? लेस रिएक्टिव। कैसे होते हैं बेटा? लेस रिएक्टिव मेटल। एग्जांपल के तौर पर किसके ओर लेंगे? सबसे पहला जो ओर लेंगे वो लेंगे बेटा किसका? मरकरी का ओर। मरकरी का ओर क्या होता है बेटा? सिनेबार। मरकरी का और क्या होता है बेटा? सिनेबार। ठीक है बेटा, सिनेबार याद रखना बेटा। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है HgS। तो तुम देख पा रहे हो किसका है? मरकरी का सल्फाइड। स्टेप वन करेंगे बेटा यहां पर, मरकरी सल्फाइड को बर्न करेंगे। बर्न करेंगे किस में? बर्न करेंगे बेटा एयर में। इसमें एयर में। एयर में क्या प्रेजेंट है बेटा? ऑक्सीजन। क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ऑक्साइड बनता है और ये वो। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? ये सल्फाइड है, कन्वर्ट होगी किसमें? तो मरकरी का ऑक्साइड क्या होता है बेटा? HgO। और बाय प्रोडक्ट बनेगा बेटा सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। आई सब में ये स्टेप क्लियर हो गया? जहां तक हम पहुंच चुके हैं यहां पर देख लो, जो ऑक्सीजन है वो क्या है बेटा? एक्सेस अमाउंट में। किस अमाउंट में? एक्सेस अमाउंट में। क्लियर? स्टेप वन, स्टेप सम में सल्फाइड को हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया? ऑक्साइड में। और सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे बेटा? इसका रिडक्शन के लिए यहां पर हम यूज करेंगे हीट का। किसका यूज करेंगे बेटा? जिंक ऑक्साइड को हीट कर देंगे, सॉरी मरकरी ऑक्साइड को हीट करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? मरकरी प्लस ऑक्सीजन। यहां पर इसको बैलेंस कर देंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? मरकरी मेटल आ जाएगा या नहीं आएगा? सभी को समझ आ गया? यस सर। पक्का? इसको नोट कर लो एक बार जल्दी से। चलो एक और एग्जांपल देख जी लो, तब सर। तक एक और एग्जांपल देख लो सर। मरकरी के अलावा और कौन सा हो सकता है? हम ले सकते हैं कॉपर का। किसका? कॉपर का ओर। ठीक है बेटा, जब हम कॉपर के ओर की बात करेंगे तो कॉपर का ओर किसमें होगा? Cu2S। Cu2S ये भी सल्फाइड है, कॉपर सल्फाइड। इसका भी क्या करेंगे बेटा? स्टेप टू, स्टेप वन ऑक्सीजन की में किसको बर्न करेंगे? यहां पर ऑक्सीजन लेंगे क्या बेटा? एक्सेस में हीट कर देंगे। रोस्टिंग रोस्टिंग बेटा। और अगर लिमिटेड या फिर नो ऑक्सीजन लेंगे तो कैल्सिनेशन। लिमिटेड नहीं, लिमिटेड या फिर नो ऑक्सीजन लेंगे ही नहीं ऑक्सीजन, तब कैल्सिनेशन बोलेंगे। ये किसमें कन्वर्ट हो गया? ऑक्साइड में। और तो बाय प्रोडक्ट में नहीं बेटा, एसिडेशन किसका होता है? नहीं, अगर अपन करना चाहें तो लिमिटेड
अलग होगा ही आई बात समय याद तक क्या ये हमारे पास कॉपर का और ऑक्साइड कंप्लीट हो गया इसको हम क्या कर दें बेटा ये जो कॉपर का ऑक्साइड है ये बाकी बचे हुए हमारे पास कॉपर सल्फेट है उसी के साथ में खुद ही रिएक्शन कर लेगा बाकी बचे हुए के साथ में खुद ही रिएक्शन कर लेगा और क्या बनेगा बेटा कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड आई बात समझ में टू टू और ये बन जाएगा सिक्स फिर से रिएक्शन कर लेगा कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर में किसके केस में क्यों नहीं कर सकते बेटा कर सकते हैं बिल्कुल बेटा आगे बात समझ में बताओ यहाँ तक yes, कोई डाउट नो सर हाँ वो भी सही रहेगा मेन क्या चीज हमको रिडक्शन करवाना है उसका क्या करवाना है बेटा रिडक्शन करवाना है प्रोडक्शन में तो सिंपल सिंपल वही चीजें होंगी आगे बात समय चलो भी देखो इसको yes, sir. और ये बैलेंस नहीं इसको बैलेंस कर लेंगे इसके अब ये हो चुके हैं बैलेंस ये चीज समझ में बेटा आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है कॉपर मैटर और ये एक्टिविटी सीरीज में कॉपर और मरकरी बेटा हाइड्रोजन के नीचे आते हैं कहाँ पर आते हैं बेटा नीचे नीचे एक्टिविटी सीरीज में आते हैं नीचे ऐसे मैटर को आप क्या बोलते हैं या लेस रिएक्टिव मैटर आपका ठीक है वहीं पर बेटा हमने यहाँ पर क्या किया था क्या किया यहाँ पर हीटिंग में रोस्टिंग रोस्टिंग क्या होती है बेटा सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड कब बाय ऑक्सीजन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन स्ट्रॉन्गली हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे स्ट्रॉन्गली तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्साइड में और यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा मेटल ऑक्साइड में मिटा दूं yes, तो नोट कर लो जल्दी से सर हो गया बाकी सब डन अदिति बेटा गुड बेटा तो चार्ट में हमारा लो रिएक्टिव वाला खत्म हो गया Excuse me, sir. हाँ बोलो बेटा सर कल आप जब आपने व्हाट्सएप पे डायग्राम सेंड किया था हाँ टेबल और का था बेटा कि मेटल नहीं, जो नहीं, सर, एक आपने डायग्राम सेंड किया था जो बोर्ड में आपने बनाया था सर वो कौन सा डायग्राम था बेटा वही मेटलर्जी का स्टेप था ये कि हम जो मेटलर्जी कर रहे हैं उसमें तीन स्टेप होते हैं पहला कंसंट्रेशन ऑफ ओर उसकी कौन सी टेक्निक यूज करेंगे दूसरा एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर ठीक है ओके आ जाओ
ठीक है, चलो आगे देखो। अभी हमारे पास लो रिएक्टिव तो कंप्लीट हो गए, क्या हो चुके हैं बेटा, लो रिएक्टिव कंप्लीट हो चुके हैं। फिर कौन आ जाएंगे, मिडल रिएक्टिविटी वाले जो रिएक्टिविटी सीरीज में बीच में आते हैं। बोलो बेटा, बेटा ऊपर पढ़ो, उसके ऊपर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिडल है, वो कैंसिलेशन एलिमिनेशन बताया बस ने, उससे ऊपर वो क्या दे रखा बेटा, कौन से के मेटल के बारे में बता बात कर रहा है, मीडियम रिएक्टिविटी के बारे में। तो मीडियम रिएक्टिविटी कहां पर आएगी, इसके अंदर आएंगे। इसके अंदर बेटा कौन-कौन से और आपको पढ़ने पड़ेंगे जनरली, कौन-कौन से मेटल, जिंक आयरन और लेड के बारे में, यही रिएक्शन दे रखे होंगे वहां पर। ठीक है, इनके जो ऑक्साइड होते हैं बेटा वो सल्फाइड में भी होते हैं और ऑक्साइड कार्बोनेट में भी होते हैं। ठीक है, वन बाय वन उनके समझेंगे कि जो सल्फाइड वाले होंगे उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे और कार्बोनेट वाले हैं तो उनको कैसे एक्सट्रैक्शन करनी है। ठीक है, ये जो मेटल है बेटा इन मेटल को क्या बोलेंगे, दीज मेटल्स यूजुअली प्रेजेंट इन सल्फाइड और कार्बोनेट और, ठीक है, जनरली किसमें प्रेजेंट होंगे सर, सल्फाइड के ओर में प्रेजेंट होंगे या कार्बोनेट के ओर में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जब हम बात करेंगे बेटा किसकी, एक्सट्रैक्शन ऑफ, एक्सट्रैक्शन फ्रॉम मेटल सल्फाइड, यहाँ पर हम पहले किसको ले लेते हैं, मेटल सल्फाइड और, तो चार्ट में देखोगे सल्फाइड वाला और आ गया। सल्फाइड वाले और में हम क्या करेंगे बेटा, जो अभी हमने पीछे किया रोस्टिंग, तो रोस्टिंग वर्ड है तो रोस्टिंग का मतलब भी समझ लो, लिखी लो साथ के साथ, तो भूल ही जाते हैं बार बार। तो क्या होगा बेटा, सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ऑफ मेटल, कैसे कन्वर्ट कर देते बेटा, बाय स्ट्रॉन्गली हीटिंग इन दी, बिल्कुल सही बेटा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर एयर, बोल तो भी कंफ्यूज मत होना, एयर में भी क्या ही प्रेजेंट है बेटा, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। एग्जांपल के तौर पर बेटा देखोगे हमारे पास जिंक सल्फाइड जो कि किस स्टेट में प्रेजेंट है, सॉलिड स्टेट में, इसको मैं क्या करूंगा बेटा हीट कर दूंगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देंगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट, आई वाज सम में। तो आप देख पा रहे हैं ये हमारे पास क्या है, सल्फाइड ओर, और ये क्या हो गया इसमें कन्वर्ट हो गया ऑक्साइड। यहाँ पर हम किसका यूज कर रहे हैं बेटा, हीट का, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, रोस्टिंग बोलते हैं। मेरे ख्याल से सभी को ये बात क्लियर हो गई, यस सर, पक्का, बिल्कुल सर। ठीक है, वहीं पर जब हमको रोस्टिंग आ चुका तो दूसरा वर्ड क्या है, कैल्सिनेशन, तो कैल्सिनेशन के बारे में जान लेते हैं। तो कैल्सिनेशन किसका यूज करेंगे बेटा, यहाँ पर किसका था, सल्फर सल्फाइड, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, कौन सा वर्ड ले लेंगे, कार्बन, एक्सट्रैक्शन फ्रॉम कार्बोनेट और ले लेंगे बेटा। यहाँ पर हम करेंगे क्या, कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन का मतलब कार्बोनेट ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय
strongly heating, by heating strongly बिल्कुल सही था इन एब्सेंस और लिमिटेड ऑक्सीजन वेरी लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज देयर बिल्कुल सही बेटा लिमिटेड का मतलब क्या है वेरी लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बताओ किसको ये बात क्लियर हो गई यस सर हो गई किसको ये बात क्लियर नोट करो जल्दी से इसको साथ में क्यों बैठे हो ठीक है टॉपिक ले लो इसको नोट कर लो बाकी सब तुम सबका हो गया बेटा अदिति अंशुल प्रियांशु उत्पेशिता विदुषी yes, आप सबको आ रहा बेटा yes, sir. Okay, बेटा जल्दी से बस को नोट कर लो सल्फाइड और की रोस्टिंग करते रोस्टिंग में क्या करते हैं सर सल्फाइड और लेंगे उसको हीट करेंगे हीट करने के लिए ओपन चेंबर रख लेंगे ओपन चेंबर में एयर है एयर मिलते जाएंगे या फिर हम एयर को सप्लाई करेंगे सफिशियंट अमाउंट में एयर की कमी नहीं होनी चाहिए यानी ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए पहली चीज जब हम कार्बोनेट और का लेते हैं यहाँ पर हमको क्लोज चेंबर लेना पड़ेगा क्योंकि बाहर से ऑक्सीजन ना जाए एयर प्रेजेंट ना हो समय एयर प्रेजेंट नहीं होगी साथ के साथ या तो लिमिटेड अमाउंट में एयर डाले क्या डाले लिमिटेड अमाउंट में या एयर डाले ही ना उसको हीट कर दें क्या करेंगे हीट करना वो क्या होगा बेटा कैल्सिनेशन एडजस्ट करने के लिए तो वही चीज ना आ जाओ चले आगे मेरे ख्याल से सभी को ये स्टेप तो आ गया क्लियर ठीक है यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा सल्फाइड और है वो किसमें कन्वर्ट हो गया ऑक्साइड में जब कार्बोनेट के लेंगे मैं इसको मिटा रहा हूं बेटा नहीं उधर का मिटा मत अभी लिखवाएंगे उसका एग्जांपल उसका लिखवाना बाकी है इसका एग्जांपल देखो बेटा जिंक कार्बोनेट Yes? कौन से मेटल है जिंक कार्बोनेट फॉर एग्जाम्पल याद रहोगे जिंक कार्बोनेट कार्बोनेट का क्या होता है बेटा कार्बोनेट का क्या होता है हीट कर देंगे यहाँ पे क्या करेंगे कैल्सिनेशन कैल्सिनेशन होगा बेटा मेटल का ऑक्साइड जिंक का ऑक्साइड और बाय प्रोडक्ट में क्या निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड सब में ये क्या हो गया बेटा कैल्सिनेशन आया सब में हाँ ये तो है ये कौन सा हो रहा है बेटा वो रिडक्शन प्रोसेस है अभी जो हमने क्या किया सिर्फ उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट किया इसमें कन्वर्ट किया बेटा ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया अभी उसके नीचे का स्टेप बाकी है रिडक्शन बाकी है क्या बाकी है रिडक्शन बाकी है हमारे पास क्या हो गया बेटा यहाँ पर ऑक्साइड सा है उसका क्या करेंगे बेटा रिडक्शन यानी इनके बाद हम क्या स्टेप करते हैं बेटा दोनों में हमारे पास जिंक ऑक्साइड आ चुका है सल्फाइड ओर से भी और ऑक्साइड ओर से कार्बोनेट ओर से भी क्या चुका है ऑक्साइड फिर इसके बाद हम कौन से स्टेप करते थे बेटा रिडक्शन किसका रिडक्शन हो जिसमें
बिल्कुल सर, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड ताकि उसमें से ऑक्सीजन चली जाए और क्या बन जाए, मेटल बन जाए। रिडक्शन का आपको मतलब पता ही है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यस यस, तो ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम कंपाउंड, कंपाउंड उसको रिडक्शन बोलते हैं। अब रिडक्शन करवाने के लिए किसी का तो ऑक्सीडेशन होना पड़ेगा, तो हमको क्या चाहिए बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। क्या चाहिए? ठीक है, तो अब वो भी बात है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन है हमारे पास? हमने लिखे थे, काफी सारे लिख लिए थे। बिल्कुल सही बेटा, एक हमने लिखा था कार्बन, कार्बन एक्चुअल में यहाँ पे कोक होगा, कोक कोयला, क्या होगा कोक, ठीक है, कार्बन, ठीक है, खाली कार्बन, चारकोल, कोक, सारे सारे क्या होते हैं कार्बन की तो होते हैं, अगर मान लीजिए वुड चारकोल, वो क्या करते हैं हीट करते हैं, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन रह जाता है, शुगर चारकोल, हाँ शुगर, ठीक है बेटा, हाँ, यहाँ पर क्या गया कार्बन, उसके अलावा क्या यूज करेंगे बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड नहीं यूज करेंगे, हाइड्रोजन वगैरह मैंने और भी लिखा था, हीट, एल्यूमिनियम और बाकी सारी चीजें, वो भी सारे क्या होंगे बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे। सर वो काम करेंगे तो कैसे काम करेंगे बेटा, इस वाले पार्ट को मिटा दूं? ठीक है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड वो ऑलरेडी ऑक्सीजन लेगा थोड़ी, उससे ऊपर थोड़ी जा सकता है, प्लस फोर से ऊपर नहीं जा सकता, मैक्सिमम कितना होता है कार्बन का, ग्रुप 14 का प्लस फोर अपने ऑक्सीडेशन स्टेट, याद आया? अब यहाँ पर देखो बेटा हमारे पास क्या है, जिंक ऑक्साइड, इसको क्या करेंगे बेटा, कार्बन ले लेते हैं, क्या करोगे इसका, ये जिंक और ये कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्या स्टेप हुआ बेटा, जिंक का रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसका हो गया रिडक्शन, इसका हो गया ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन होता है इसी रिएक्टेंट को क्या बोलते हैं, क्लियर? कोई ऐसी बात जो आप सबको समझ में ना आई हो, रिएक्टेंट की साइड कौन है, कौन सा रिएक्टेंट है, कार्बन, तो कार्बन इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, प्रोटोसाइट तो देखते हैं एजेंट के तौर पर, है ना समझ में, यहां तक बात समझ में आ गई, आगे चलें, ठीक है, ठीक है, फिर कौन आ गया बेटा हमारे पास, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड भी ले सकते हैं, ये सारे क्या है कार्बन का, कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे तो उसमें क्या कन्वर्ट होगा बेटा, बिल्कुल कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, एग्जांपल के तौर पर ले लेते बेटा आयरन ऑक्साइड, आयरन का ऑक्साइड, ये कौन सा है, फेरिक ऑक्साइड, इसमें क्या करेंगे बेटा, क्या डाल देंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में, इसको हीट कर देंगे, क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, तो ये जो कार्बन ऑक्सीजन है ये जाके इसमें जुड़ जाएगा, ये आयरन बच जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में, कन्वर्ट हो जाएगा ये सॉलिड और ये गैस, यहाँ पर तुम देखोगे इसका क्या हो रहा है बेटा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन, बैलेंस थोड़ी हुआ है, क्या बैलेंस कर रखा मैंने, नहीं, तो इसको तीन ऑक्सीजन चाहिए बस, तीन के लिए इसको बस तीन आ गए, हो गए बैलेंस, क्यों तीन क्यों लिखा मैंने यहाँ पर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बनने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इसके पास कितने ऑक्सीजन है, तीन है, तो तीन मॉलिक्यूल चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड के, हो जाएगा बैलेंस, नहीं आया, नहीं नहीं आ गया, बाकी सब आप सबको समझ में आया बेटा,
मैंने एल्यूमिनियम भी लिखवाया था, लिखवाया था वहां पर क्या हो जाएगा बेटा, एल्यूमिनियम लिखेंगे क्या बेटा, हाँ टू आयरन होना चाहिए, बिल्कुल सही बेटा, यहाँ पर टू होगा। अब एक बात बताओ, आयरन भी तो रिएक्टिव डिस्प्लेस याद है, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस, तो आयरन जिंक से ज्यादा रिएक्टिव, सॉरी एल्यूमिनियम जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है कि नहीं है, डिस्प्लेस कर देगा नहीं कर देगा, तो जिंक अकेला हो जाएगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्साइड में। मेरे ख्याल से यहाँ तक तुम सबको क्लियर हो चुका है, ठीक है बेटा। ये हो गया तुम्हारा कौन सा सेकंड स्टेप क्लियर हो चुका है, रिएक्टिविटी ऑफ जो मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट्स है उनका कंप्लीट हो गया। इसके ऊपर नोट कर लो बेटा सभी, हो जाए तो बता देना बेटा आप सब, अदिति अंशुल धन अंशुल बेटा गुड, चले मेरे ख्याल से सबको समझ में आ चुका है, दो मरीज जल्दी खत्म करवाने वाले, चैप्टर एंडिंग की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है मेटलर्जी खत्म, चैप्टर खत्म, कार्बन मुझसे को थोड़ी बहुत इजी है, कार्बन तो अच्छा चैप्टर है, कल से पढ़ना बेटा, सभी बोलते हैं केमिस्ट्री तो ऐसी है, मतलब उससे को पढ़ के देखो, हमें पता है ना कौन से पढ़ो ना, बता दे बता दे, ठीक है आ जाओ बेटा, क्या कर रहे बेटा आ जाओ, मास ठीक करो, यहाँ पे देखो बेटा, अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप में एक्सट्रैक्शन में ही किसका पढ़ेंगे हम, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स जो कि क्या है हाई रिएक्टिव, क्या होगी जिसकी हाई रिएक्टिविटी होगी, ये रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होते हैं, कौन होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर, कौन से वाले रिएक्टिविटी, बिल्कुल बेटा सोडियम पोटेशियम कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम, ये सारे क्या हैं रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आते हैं और इन सभी को क्या बोलते हैं बेटा हाई रिएक्टिव मेटल, इनको निकाल लेंगे, क्या इनको कोई डिस्प्लेस कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, अब मान के चलो ना टॉप में है तो सर इनको तो वैसे ही रिएक्शन नहीं करेगा, अगर करेंगे ये वापस से क्या करेगा रिएक्शन कर जाएगा, अरे बस हमें तो इनके लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम तो होगा ही नहीं, ये खुद ही रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या है खुद ही रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इनके लिए तुम क्या करोगे, ठीक है तो याद रखना बेटा इस केस में क्या होगा, दे आर हाईली रिएक्टिव, दीज मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, खुद ही क्या करेंगे बेटा, दीज आर नॉट रिड्यूस विद किसके किसे रिड्यूस नहीं कर सकते, रिड्यूसिंग एजेंट से किनकी बात हम कर रहे हैं, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, इन मेटल की बात कर रहे हैं, आई बात समझ में, तो बेटा सर इनकी एक्सट्रैक्शन करेंगे तो करेंगे कैसे, यहाँ पे मेथड यूज करते बेटा किसका, इलेक्ट्रोलिटिक का, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प लेंगे, किसकी हेल्प लेंगे इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प लेंगे, तो यहाँ पे याद रखना दीज मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय इससे इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से, किस किस से
रिडक्शन कार्बन फ्रॉम देयर सर पहले तो मोल्टन स्टेट यानी मेटल की स्टेट में लिखेंगे यानी जो ओर होगा हमारा उसका हाई रिएक्टिव मेटल का उसको पहले तो लिखेंगे सर मोल्टन स्टेट में और मोल्टन स्टेट में लाके फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे क्या करेंगे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे सर एग्जांपल NaCl का एग्जांपल घर में नमक होता है यस NaCl उसके अंदर सोडियम है तो वो क्या हो गया ओर हो गया किसका ओर हो गया सोडियम का आई बात समझे यहां पर हो जाएगा बेटा किसका एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम NaCl यस मुझे क्या करना है इससे क्या निकालना है मेटल निकालना है सोडियम मेटल तो बता मैं कैसे निकालूंगा तो यहां पर आप याद रखोगे बेटा यहां पर आप यूज करोगे किसका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का किसका यूज करोगे बेटा इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन तो ये करेंगे कैसे इससे होगा कैसे नमक जानने पहले नमक को पानी में नहीं मिलाएंगे बेटा नमक को मोल्टन स्टेट में मिलाएंगे बहुत सारा नमक लेंगे उसको गर्म करेंगे वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा हाँ बेटा मोल्टन स्टेट बोलते हैं सर हीट करते रहोगे तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है कंसंट्रेटेड में पानी डालना ही मत एक कढ़ाई में पूरे में नमक ही ले लो और उसको हीट करते रहना आ जाओ अब जैसे हमारे पास आ जाएगा बेटा ठीक है अब इसमें याद रखना हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं रिडक्शन करते हैं तो सर हमारे पास क्या होगा बेटा हम एक ले लेंगे कंटेनर ये हमने क्या ले लिया बेटा कंटेनर इस कंटेनर के अंदर दो रोड इंसर्ट कर दोगे रोड मैंने रोड रोड इंसर्ट कर दी ठीक है अब इस दो रोड के ऊपर मैंने यहां पर इस कंटेनर के अंदर क्या डाल दिया बेटा अपना सॉल्यूशन अभी बताते हैं बेटा ये जो सॉल्यूशन मैंने इसके अंदर फिल किया है यस ये सॉल्यूशन है बेटा मोल्टन NaCl क्या बेटा मोल्टन NaCl अब एक बात याद रखना जब भी मैं बोलूंगा मोल्टन का मतलब मोल्टन में किस स्टेट में आ जाएंगे बेटा Na अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव ठीक है किस में कन्वर्ट हो जाएंगे आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे ठीक है अब इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी आई कहां से बैटरी से कहां से आएगी बेटा तो मेरे को इन रोड को कनेक्ट कर देता हूं किससे बैटरी आई बात समझे बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं पॉजिटिव और एक बड़ा वाला क्या है पॉजिटिव दूसरा वाला नेगेटिव अगर नेगेटिव वाला कनेक्ट है तो इसके पास क्या हो जाएगा कैसे चार्ज ये भी क्या हो जाएगी कैसी रोड हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज सारी बात समझ में ये नेगेटिवली चार्ज हो गई और ये कैसे चार्ज हो गई बेटा ठीक है बेटा क्या बोल रहे बेटा क्या तो बात समझ में सुन लो बेटा वो तुम थोड़ा हाई क्लास में आ जाओ थोड़ा डिफरेंस समझ में आ जाएगा अभी पहले जानो नेगेटिवली चार्ज हो गई वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई यस आई बात समझ में ये जो हमारे पास रोड है इसके ऊपर कैसा चार्ज है नेगेटिव अब मैं इसको नाम नहीं दे रहा एनोड और कैथोड ठीक है नाम दे दूंगा तुम कंफ्यूज हो जाओगे तो पहले इसको नेगेटिव और पॉजिटिव मान चलो ताकि तुम थोड़ा सा इजी लगे अब याद करने में और समझ लेने ठीक है ये बात समझ में आ रही है आप तक
इस आयन के ऊपर चार्ज कैसा है? सोडियम के ऊपर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, राइट? ये नहीं है आंसर, बिल्कुल है। अब एक बात बताओ, ये पॉजिटिव जाएगा कहाँ? नेगेटिव के पास, क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता, नहीं करता? बिल्कुल करता है सर। ये हमारे पास जो सोडियम है ये भागेगा इसकी ओर, यानी इस पॉजिटिव नेगेटिव रोड की ओर भागेगा, और ये भागेगा किसकी ओर? पॉजिटिव की ओर, ठीक है। जब पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? चार्ज न्यूट्रल भागेगा, नहीं होगा सर? कैसे क्या होगा इसके अंदर, क्या तुमने बेटा? जब ये पॉजिटिव आएगा सोडियम प्लस, इस रोड के ऊपर चार्ज क्या है? नेगेटिव। सर ये नेगेटिव आया कैसे? अब तुम्हारे मन में तो ये बात तो आएगी, नेगेटिव हुआ कैसे ये रोड? बैटरी ने क्या किया, इसके पास इलेक्ट्रॉन भेज दिए, इस रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ गए। अब ये इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ गए तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। जैसे इसके सोडियम इसके पास पहुंचा, उसके ऊपर क्या क्या गया?